अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, वेलकम टू फूडी मूवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए बहुत अच्छी और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मुर्गी आलू शोरबे वाले। तो हम देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं। ये मैंने यहाँ पे चिकन ली है, ये 2 अदद आलू है जो आप इस तरीके से काट लें। ये मैंने यहाँ पे 3 अदद टमाटर लिए हैं जो स्लाइसिस में काट लिए हैं, और ये 3 अदद प्याज है जो इस तरीके से बारीक काट लें। मसालों में मेरे पास सूखा धनिया, सूखा जीरा, मैंने इसका पाउडर बना लिया है, और ये नमक है हसबे जायका, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और लाल मिर्च है जो मैंने 1 चम्मच लिए। ये बहुत इजी रेसिपी और बहुत आसानी से आप लोग ये घर में भी बना सकते हैं, और बहुत इजीली ये बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, ये जो मैंने प्याज बारीक बारीक काट के रख ली थी। ये देख सकते हैं आप, तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। ये हमने प्याज इसमें डाल दिए ताकि अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देख सकते हैं आप, हमारे प्याज फ्राई होना शुरू हो गए। ये जब तक फ्राई होते हैं हम वेट करते हैं, जब हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको बारीक पीसने की, तो अब हम इसे पीसते हैं फिर हम वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने प्याजों का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया। अब जो है अब इसमें हमने जो टमाटर बारीक बारीक काट के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद जो थोड़ा से मिक्स करके इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 गिलास जितना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसमें जो है हमने जो मसाले रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये नमक और लाल मिर्च थी वो इसमें मैं डाल दूंगा। ये गरम मसाला और जीरे का पाउडर बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब तकरीबन 10 मिनट इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, फिर हम इसमें मुर्गी और आलू ऐड करेंगे। ये जब तक जो है टमाटर गलते हैं हम वेट करते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए और अच्छी तरीके से पेस्ट बन चुका है। बारी इसमें मुर्गी और आलू शामिल करने की, तो हम इसमें मुर्गी और आलू शामिल कर देंगे, और जो तकरीबन जो है 1 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि मुर्गी वैसे ही जल्दी गल जाती है। 1 गिलास पानी हम आलू के लिए डालेंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाए। ये बहुत आसान रेसिपी और बहुत आसानी आज से इसको घर में बना सकते हैं। घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग आया और बेहतरीन किस्म की इसमें तो खुशबू आ रही है। ये हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब 10 मिनट वेट करेंगे ताकि हमारे मुर्गी भी गल जाए और आलू भी गल जाए, फिर हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। बस 10 मिनट वेट करते हैं फिर हम इसको भुनाई शुरू करते हैं जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा अच्छी तरीके से मसाला भुन चुका है, उसका रंग भी ऊपर आ चुका है। देख सकते हैं कितना प्यार और खूबसूरत रंग आया है और कितना मजे का लग रहा है। और अब हम इसमें 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी ऐड करेंगे, जितना आपको शोरबा करना है। हम इसमें से 1 गिलास पानी ऐड करके सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि पानी को एक दफा उबाल आ जाए, अच्छी तरीके से ये शोरबा इसमें मिक्स हो जाए और मसाला भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा रंग आया और कितनी मजे की ये लग रही है। बस 1 से 2 मिनट से इसको बॉयल करेंगे, फिर जो हम इसको डिश आउट करेंगे। अब जब तक ये इसमें मिक्स होता है हम वेट करते हैं, फिर अब मिलते हैं हम डिश आउट जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा आलू मुर्गी शोरबा रेडी हो चुका है, और कितना परफेक्ट कलर आया, देखने में भी बहुत लजीज लग रहा है। ये आप लोग जरूर घर में ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इसी तरह की और भी हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर जब भी कोई नई वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाजत, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।